स्टूडेंट जरा इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द एस्ट्रॉइड एक्स एस टू द पावर 2/3 प्लस वाई एस टू द पावर 2/3। और ये इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है और इसी एस्ट्रॉइड की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी अबाउट द एक्स एक्सिस। मतलब कि अगर इस एस्ट्रॉइड को अबाउट द एक्स एक्सिस रिवॉल्व किया जाए तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। नाउ सबसे पहले तो हम इस एस्ट्रॉइड का क्या निकालते हैं, ये देखते हैं कि ग्राफ जो है इस एस्ट्रॉइड का वो कैसा होता है, बिकॉज ग्राफ से हमें बहुत कुछ मदद मिल जाएगी। क्या एक कि इस एस्ट्रॉइड के लिए जो टी की लिमिट्स होंगी, अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो टी की जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, और अगर हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल ना करें और इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमें देखना है। तो आइए जरा ग्राफ देखते हैं इसका। बेसिकली इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह होता है स्टूडेंट्स। और अगर पैरामेट्रिक ले तो यहाँ पर टी की वैल्यू होती है 0, यहाँ पर टी की वैल्यू होती है पाई बाई 2, यहाँ पर टी की वैल्यू होती है पाई और यहाँ पर टी की वैल्यू होती है 3π/2 और यहाँ पर फिर से 2π हो जाती है ना। कि अगर हम इन पैरामेट्रिक इक्वेशन में टी की वैल्यू ये टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, टी इज इक्वल टू पाई, टी इज इक्वल टू 3π/2 सब्स्टिट्यूट करें तो एक्स और वाई की जो वैल्यूज आएंगी उनको अगर यहाँ ग्राफ पर प्लॉट करते जाए तो ये एस्ट्रॉइड जनरेट हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन का इस्तेमाल करें तो उस केस में कर्व का जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस वन, दिस पार्ट, अगर इस पार्ट को हम लोग एक्स एक्सिस यानी कि ये जो आर्क है इस आर्क को अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का जो सरफेस एरिया होगा वो हमें निकालना है। और अगर उस सरफेस एरिया में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये वाली जो पार्ट है उसके रेवोल्यूशन से जो सॉलिड जनरेट होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो भी निकल आएगा। इट मींस दैट कि अगर t इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 तक जो मतलब t इज इक्वल्स t को अगर 0 से पाई बाय 2 तक हम लोग वेरी कराएं तो जो आर्क जनरेट होगी पैरामेट्रिक इक्वेशन से उस आर्क को x एक्सिस के अबाउट रोटेट करने से और उस सरफेस में 2 का मल्टीप्लाई करने से इस पूरे के पूरे मतलब आर्क यहां से लेके यहां तक का जो रिवॉल्यूशन होगा एक्स एक्सिस के अबाउट तो जो टोटल सरफेस जनरेट होगी वो हमें मिल जाएगी। आई रिपीट, हम 0 से लेके पाई बाय 2 लिमिट लेंगे टी की और ये जो आर्क है इसके रिवॉल्व होने से जो सॉलिड जनरेट होगा उसके सरफेस एरिया को निकालेंगे, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे के पूरे एस्ट्रॉइड को जब हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट यानी कि इतने आर्क को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो उससे जो पूरा का पूरा एक 3D में एस्ट्रॉइड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना है। तो आइए जरा उसे निकालते हैं। तो हम लोगों को क्या गिवन है, सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो गिवन दैट एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस क्यूब टी, सो दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल्स टू a sin cube t, so this implies that dx by dt is equals to 3a cos square t and this is minus sin t and dy by dt is equals to 3a sin square t and cos t, right? So ye dx by dt or dy by dt ki value aa gayi। और आप जानते हैं कि जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती हैं
तो जो सरफेस एरिया निकालना होता है उसके लिए हमें ये क्वांटिटी को भी इवैल्यूएट करना पड़ता है, dx by dt whole square and dy by dt whole square, ठीक, and this is equals to, जरा ध्यान दीजिएगा, dx by dt का whole square करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे कितना, हमें मिलेगा 9a square cos 4t sin square t plus dy by dt करेंगे तो हमें मिलेगा 9a square sin raised to the power 4t cos square t, right student? तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, एक तो 9a square निकल रहा है कॉमन, cos square t निकल रहा है और sin square t, तो जब ये रूट के बाहर आएंगे तो ये बन जाएंगे 3 cos t into sin t और स्क्वायर रूट में रह जाएगा cos square t प्लस sin square t और इसकी वैल्यू होती है 1, तो अल्टीमेटली हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें मिलेगी 3a cos t sin t, राइट? नाउ द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, द सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 0 टू, द सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 2 पाई y स्क्वायर रूट ऑफ dx बाय dt होल स्क्वायर प्लस प्लस dy बाय dt होल स्क्वायर dt, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 0 टू पाई बाय 2 2 पाई, तो 2 पाई को इधर बाहर लेकर आएंगे तो इट बिकम 4 पाई, y की वैल्यू वो रही बच्चों, इट्स a sin क्यूब t, a sin क्यूब t एंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस ब्रैकेट, ये स्क्वायर रूट में, तो इसकी वैल्यू है 3a 3a cos t sin t dt, राइट स्टूडेंट? तो हमें मिल जाएगा ये, इस a को बाहर ले आइए, ये भी a है तो इट्स अ ए स्क्वायर और ये 3 भी है तो इट्स अ 12, तो इट्स अ 12 पाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 एंड इट्स अ साइन रेस टू द पावर 4 डी कॉस टी डी, ठीक है ना? और अगर हम इस इंटीग्रेशन में एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर दें तो अपना काम हो जाएगा, क्या सब्स्टिट्यूशन, हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू sin t, x इज इक्वल्स टू sin t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा cos t dt, तो ये cos t dt dx बन जाएगा और sin t को हम लोगों ने x सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो हमें मिल जाएगा बच्चों 12 पाई a स्क्वायर 0 to pi by 2, यहाँ पर मिल जाएगा हमें कितना, x raised to the power 4, x raised to the power 4, और ये बन जाएगा dx, और जब इंट्रीगेट करेंगे स्टूडेंट, तो इंट्रीगेशन के बाद में हमें क्या मिलेगा, इंट्रीगेशन के बाद में हमें मिलेगा 12 pi a square x raised to the power 5 upon 5 and limit 0 to pi by 2, but हम लोगों ने क्योंकि लिमिट चेंज नहीं करी है तो हमें, हमने जो x की जगह सब्स्टिट्यूशन किया था वो हमें वापस यहां रखना पड़ेगा लिमिट्स रखने से पहले, तो हमें मिल जाएगा 12 पाई a स्क्वायर बाय 5 sin t रेस्ट टू द पावर, नॉट रेस्ट टू द पावर, sin t की लिमिट 0 टू पाई बाय 2 और sin t एट पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड लोअर लिमिट पर 0, तो वी हैव द फाइनल आंसर 12 पाई ए स्क्वायर बाय 5, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड ये किस में आएगा, इट्स इन यूनिट स्क्वायर, ठीक बच्चों? तो हमारे पास ये आंसर आया है फाइनली टोटल, यानी कि पूरा का पूरा एस्ट्रॉइड के ऊपर वाला जो आर्क है जो कि यहां से लेके यहां तक है, अगर इसको रोटेट करेंगे हम
तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो होगा 12 πa² / 5 एंड यस इट्स अ करेक्ट आंसर, कोई परेशानी नहीं है इसमें, सही आंसर भी है, वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए एक्स एक्सिस के अबाउट जब रिवॉल्व होगा इसका आर्क तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया कुछ इस तरह से निकलना। यहां पर इस एस्ट्रॉइड की हमारे पास में क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर इसका फिगर हमारे पास था तो लिमिट्स निकालना आसान था, ठीक है ना। सो इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि जो भी आप कर रहे हैं रिवॉल्यूशन कर रहे हैं किसी भी कर्व का तो आप उसको ग्राफ पर देख पाए, तो ग्राफ पर देख पाएंगे तो उसकी लिमिट आसानी से निकाल पाएंगे। अब आइए जरा एक पोलर कर्व और लेते हैं और उसे जब रिवॉल्व करेंगे इनिशियल लाइन के अबाउट तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका सरफेस एरिया। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन revolving the curve r is equals to 2a cos theta about the initial line, about the initial line, about the initial line student। तो ये है हमारा क्वेश्चन बच्चों जिसमें हमें इस पैरामेट्रिक कर्व r is equals to 2a cos theta को अगर इनिशियल लाइन के अबाउट रोटेट किया जाए तो उससे जो सॉलिड जनरेट होता है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो है ये r is equals to 2a cos theta, इससे जो कर्व बनता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर वो एक्चुअल में होता क्या है, तो वो कुछ इस तरह से होता है बच्चों। Yes, theta is equals to 0, theta is equals to π/2, theta is equals to π and theta is equals to 3π/2। क्योंकि हम जानते हैं कि जो cos है वो cos π/2 के बाद नेगेटिव हो जाता है और pi से लेके 3π/2 के बीच में भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोलर कर्व है ये इस सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ही नहीं, एंड जब थीटा की वैल्यू जीरो होती है तो हमारे पास में जो आर है उसकी वैल्यू होती है 2a, राइट right? क्या होती है 2a, और जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाते हैं और एंगल को जब पाई बाय 2 पे ले आते हैं तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू हो जाती है जीरो, ठीक है ना। एंड cos की वैल्यू जैसे जैसे यहां से बढ़ाएंगे थीटा को पाई बाय 6 पे ले जाएंगे, पाई बाय 4 एंड आगे, तो वो वैल्यू बढ़ेगी और फिर जैसे ही पाई बाय 2 के ऊपर आएंगे, सॉरी पाई बाय 4 के ऊपर आएंगे, इसकी वैल्यूज बढ़ेंगी और फिर इसकी वैल्यूज घटेंगी, यानी पाई बाय 4 तक वैल्यूज बढ़ती जाएंगी और फिर उसके बाद वैल्यूज घटना शुरू हो जाएंगी, और सेम प्रोसीजर नीचे भी होगा। तो जब हम इसको ट्रेसिंग ऑफ कर्व में अपने पोलर कर्व की जो ट्रेसिंग पड़ी है उसका यूज अगर हम करेंगे तो हमें ये एक सर्कल के फॉर्म में मिलेगा कुछ इस तरह से, जिसका कि सेंटर होगा a जीरो, रेडियस होगी a, एंड दिस इज द r इज इक्वल्स टू 2a cos थीटा। और ध्यान दीजिएगा कि जब आर्क जो कि जीरो से शुरू होती है और पाई बाय 2 तक जाने पर जनरेट होती है, आई रिपीट स्टूडेंट कि जीरो एंगल से शुरू होके जब हम पाई बाय 2 तक जाते हैं तो इतनी आर्क जनरेट हो जाती है, और जब 3 पाई बाय 2 से शुरू करते हैं और
जीरो तक जाते हैं तो ये नीचे वाली आर्क जनरेट होती है। तो इस ऊपर वाली आर्क को ही अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट इस तरह से घुमा दें तो एक स्फीयर जनरेट हो जाएगा, और उस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो हमें निकालना है अब, ठीक है ना, बाय द रेवोल्यूशन जो स्फीयर जनरेट होता है। तो वो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें केवल इतना पोर्शन चाहिए आर्क का, यहां से यहां तक, और उसके लिए थीटा को कितना वेरी करना होता है, जीरो से लेके पाई बाय टू। तो हमारी थीटा की लिमिट्स होंगी जीरो टू पाई बाय टू, आई रिपीट, जीरो टू पाई बाय टू लिमिट होंगी, ये होगा हमारा आर। और हम जानते हैं कि जो पोलर कर्व होता है उसके लिए जो फॉर्मूला है सरफेस एरिया का वो कुछ इस तरह से होता है, टू पाई वाई, अगेन टू पाई वाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, वट एवर जो भी है पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे जो हमें गिवन है, गिवन दैट आर इज इक्वल्स टू टू ए कॉस थीटा, और आप जानते हैं कि आपको डी आर बाय डी थीटा की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस टू ए साइन थीटा। ओके, नाउ द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द आर्क फ्रॉम थीटा इज इक्वल्स टू जीरो टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, क्या होगा बच्चों, S is equals to 0 to pi by 2, 2 pi y square root of r square plus dr by d theta whole square d theta. Okay, where r is equals to, sorry, where y is equals to होता है r sin theta, right? इसको एक बार verify भी कर लेते हैं कि हमने फॉर्मूला सही लिखा है कि नहीं। यस वी आर करेक्ट इन द फॉर्मूला। अब इसमें बच्चों सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये 0 टू पाई बाय 2 2 पाई y की वैल्यू है r sin थीटा, और r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r इज इक्वल्स टू है 2 a cos थीटा, तो हम यहां पर डायरेक्ट वही वैल्यू लिखते हैं, तो इट्स 2 a cos थीटा और ये sin थीटा एज इट इज, ठीक है ना। ये हमने किसकी जगह लिखा है, ये हमने लिखा है r sin थीटा की जगह, ठीक है। एंड ये डिवाइड में नहीं है, ये समझ जाइएगा। एंड स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर मतलब कि 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एंड प्लस dr by d थीटा की वैल्यू है 4 a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। नाउ ये तो अब काम का नहीं है हमारे, 0 टू पाई बाय 2, ठीक है ना, ये तो हमने अपने समझने के लिए लिखा था, इसको यहां से हटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। 2 पाई 2 ए यानी 4 पाई ए, और यहां से 2 ए बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट के, है ना, 4 ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा वो 2 ए 2 2 2 मतलब कि 8 पाई ए स्क्वायर, है ना, एक ए और एक ए यहां से, 0 टू पाई बाय 2 cos थीटा sin थीटा, ठीक है ना, तो इट्स cos थीटा sin थीटा, ओके, एंड ये आ गया d थीटा, और ये अंदर जो रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा 1, तो वो हमने यहां पर 1 कंसीडर कर लिया है। और अगर हम चाहें बच्चों तो एक एक 2 को यहां लेकर यहां पर 4 कर देते हैं और एक 2 को यहां ले लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा, तो इट्स अ 4 पाई a स्क्वायर, एंड ये बन जाएगा बच्चों 0 टू पाई बाय 2 एंड इट्स अ sin 2 थीटा d थीटा, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इट्स अ 4 पाई a स्क्वायर, इट्स अ माइनस cos 2 theta, right, minus cos 2 theta divide by 2, okay, minus 2 cos theta divide by 2, और यहां से
ठीक है, डिवाइड बाय टू, और यहां से जीरो टू पाई बाय टू, जीरो टू पाई बाय टू लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को यहां पर मिल जाएगा व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू, ये टू से ये कैंसिल, ठीक, तो इट्स अ फोर पाई, ओ सॉरी टू पाई ए स्क्वायर, टू पाई ए स्क्वायर और ब्रैकेट, ठीक। नाउ माइनस को चाहे तो बाहर लगा लेते हैं। अब नाउ लुक, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय टू, तो जैसे ही थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय टू लिखेंगे तो कॉस पाई आ जाएगा, और कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, फिर माइनस लोअर लिमिट, कॉस थीटा की जगह जीरो तो कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो ये माइनस वन, ये माइनस वन और ये माइनस, मिलके बन जाएगा फोर पाई ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। और आप जानते हैं कि किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है फोर पाई ए स्क्वायर, तो वेरीफाई भी हो गया क्योंकि इस सर्कल की जो रेडियस थी वो ए थी, तो सरफेस एरिया फोर पाई ए स्क्वायर ही आना चाहिए। तो आई रिपीट स्टूडेंट कि इस आर्क को जब रिवॉल्व करेंगे तो एक स्फीयर बनेगा, और उस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो ये होगा। तो हम लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पर तीन क्वेश्चंस देखे, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे, एक कार्टेशियन कर्व के लिए था, एक पोलर कर्व के लिए और एक पैरामेट्रिक कर्व के लिए। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन के लिए, अब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए बुक की मदद से, और अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बाय मेल, और हाइक पे मैसेज करके भी, व्हाट्सएप पे भी, आप वहां पे इसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो ये पोर्शन आपका मजबूत हो जाएगा। दो से तीन फॉर्मूले आप अपने दिमाग में रखिए कि जब किसी भी कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला है, वाई एक्सिस के अबाउट करते हैं तो क्या फॉर्मूला है, पैरामेट्रिक कर्व को अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो क्या फॉर्मूला है, और किसी पोलर कर्व को अगर इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्मूला है सॉलिड की सरफेस एरिया फाइंड करने का, तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। सो आई होप कि ये जो लेक्चर है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा स्टूडेंट, और हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे उपस्थित कुछ नए टॉपिक लेके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।